शहजाद। शहजाद, आपने कल से कुछ नहीं खाया है, कम से कम चाय तो पी लें। कल रात जो तुम्हारी अम्मी ने सलूक किया ना हमारे साथ, उसके बाद से कुछ खाने का दिल ही नहीं चाह रहा। इतने ताने जो खाकर आ रहे हैं उनके। शहजाद, अम्मी ऐसी ही है, बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठ सकती हैं। और उन्होंने ये सब इसलिए किया है क्योंकि क्योंकि मेरी मुखालफत थी सलीम अंकल के साथ। बदला लेने के लिए किया उन्होंने मेरे से ये, घर बुलाकर चाय पिलाकर जलील करके हमें वापस भेज दिया। उन्होंने मेरी बेबसी का मजाक बनाया। गुजरता हुआ एक एक लम्हा मुझे नौस दे रहा। अच्छा शहजाद, आप कुछ खा तो लें, आप फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम बताओ मुझे क्या होगा। मैं हानिया से बात करती हूँ। हानिया? जब तुम्हारी अम्मी से कुछ नहीं हो सका तो हानिया क्या खा करेगी, वो तो खुद नौकरी पेशा है, वो तो खुद नौकरी करती है। नहीं शहजादा, आप देख लीजिएगा, हानिया जरूर कुछ ना कुछ हेल्प करेगी हमारी। तुम बात करना हानिया से। चले जी, मैं तो तैयार हो गई, देख लें। गलत किया तुमने, तुम्हें सालेह को इस तरह मायूस नहीं भेजना चाहिए था। जब अम्मी अपने लिए कुछ सोचें तो अम्मी गलत, और जब औलाद को काम पड़े तो माँ सही। सारे बच्चे इसी किस्म की हरकतें करते हैं, लेकिन माँ बाप तो समझदार होते हैं ना। माँ बाप को सब्र और बर्दबारी से काम लेना चाहिए। जो बच्चे माँ बाप की अना को ठेस पहुंचाएं, उनकी खुददारी को तोड़ देना चाहिए। लेकिन अपने औलाद की खुददारी को नहीं। सलीम, इंसान अकेला ही इस दुनिया में आया है और अकेला ही जाएगा। अकेले ही अपने हालात से जंग लड़ता रहता है, जिस तरह मैंने अकेले ही अपने आप को तन्हाई के खौल में बंद करके हालात का मुकाबला किया है। मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, ना मेरे बाप ने, ना माँ ने, ना भाई ने, और ना ही औलाद ने। लेकिन मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा तुम्हारी राह तकता, तुम्हारे ख्याल से बाहर नहीं आया। उस वक्त तुम आशिक थे, अब शौहर, देखते हैं कब तक साथ में भाग। ये बात आ रहूंगा, चले चले। जब उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया वनीत, तो आप आलिया के घर जाने के लिए क्यों इतना जिद कर रहे हैं? लेकिन आप उनसे ये तो पूछें कि आखिर इतराज की वजह क्या? आखिर वो क्यों अपने इतराज की वजह बताएंगे हमें? अब तो राहेल ने भी कह दिया है कि जहां हम चाहें वो शादी कर लेगा। हमें बस उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए, न कि आलिया के घर वालों की मिन्नतें करनी चाहिए। राहिल ने ये फैसला दिल से नहीं किया। जब वक्त है तो आपने इनकार कर दिया। गलती हो गई थी मुझसे, मैं अपने बच्चों के एहसास को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब तो मैं मान गया हूं। बस भूल जाए वाली, मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द राहिल की शादी करा दो। ना ना, ये जुल्म होगा, मेरा बेटा ऐसे कभी खुश नहीं रह पाएगा। चलिए, अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप ना, आप मुझे एड्रेस दे दें, मैं अकेला वहां चला जाऊं। जरूर जन, मैं आपको एड्रेस दे दूंगी, लेकिन फिलहाल आपने मेरे साथ जाना है। मैंने आपके लिए शॉपिंग करनी है और घर के लिए भी शॉपिंग करनी है। ठीक है जी, जैसे आपका हुक्म। चले, आप चाय पिए और तैयार हो जाए। आप इस तरह जाएंगे मेरे साथ?
मैं तैयार तो हूँ, आप चलें। अच्छा ठीक है, आप तैयार हो जाएं, मैं जरा किचन से होके आती हूँ।